हेलो गाइस, लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी सबने देखी होगी। अगर जिस बहन भाई ने नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि ये टॉपिक भी सेम वैसा ही है। तो क्या हम डेरा प्रेमी को किसी और की बातें सुनकर उस पर अमल करना चाहिए या किसी और की वीडियो देखनी चाहिए? क्या हमारे सतगुरु के बिना हमें कोई और गाइड कर सकता है? तो प्लीज बने रही मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं सभी प्रेमी बहन भाइयों को बोल रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुंचाना। तो कई बार डेरा प्रेमी क्या करते हैं, किसी और की कथा, किसी और के प्रवचन बहुत ज्यादा सुनते हैं और उनको सुन सुन के उनकी आदत बन जाती है और सुन के ये बोलते हैं कि हाँ यार, इसकी मुझे ये पसंद बात आई, इसकी ये बात मुझे अच्छी लगी, हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। बोल ही देते हैं कि वो भी ऐसा गुरु है, वो भी ऐसा गुरु है। तो बहुत से ऐसे डेरा प्रेमी है जो औरों की वीडियो देख के, उनको देख के उनको फॉलो करने लग जाते हैं और उनकी वीडियो के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, कि उसकी मुझे ये बात पसंद आई, उसकी ये बात पसंद आई, ये वो। तो हम सभी डेरा प्रेमी MS के बच्चे हैं, सतगुरु के सभी बच्चे हैं। तो हम विरोध तो कभी करना जानती नहीं, किसी का हम विरोध नहीं कर सकते, कोई कैसा भी है उनके बारे में हम कभी भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रेमी ऐसे हैं कि उसकी मुझे ये बात अच्छी लगी, उसकी ये बात मुझे ऐसी लगी, उसकी ऐसी बातें करता है, वो ऐसी बातें करते, उनकी कथा सुनने ज्यादा पसंद करते हैं। और ये चीजें जो हम औरों की सुनते हैं और बोलते हैं उनकी ये चीजें मुझे पसंद आई, तो उनसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी चीज, ऐसा कोई भी दुनिया की चीज जो भी होती, चाहे बातें हो गए, चाहे कुछ भी लगा लो इधर उधर जाने की, कुछ भी बातें, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी चीज, क्या हमारे सतगुरु ने उनसे पहले नहीं बता रखी जो हम उनकी चीज सुनकर फॉलो कर रहे हैं और हमारे सतगुरु की बात को हम फॉलो नहीं कर रहे? मेरे कहने का मतलब है कि जब हम उनकी बात सुनते हैं तब हम बोलते हैं हाँ उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ है। लेकिन कभी आपने अपने दिमाग से यह सोचा है, ये मानने में कभी विचार आया कि हमारे सतगुरु ने ये चीज हमें पहले से बता रखी है, इस चीज के बारे में हमें सतगुरु ने पहले से गाइड कर रखा है? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे सतगुरु ने हमें नहीं समझाई हुई? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज बनी है जिनके बारे में हमारे सतगुरु हमें गाइड नहीं करते? ऐसी कौन सी बात, कौन सी ऐसी चीज, ये छोटा सी चीज पर विचार करना, जो आप लोगों की बातें सुनकर उनको फॉलो करने लग जाते हो और सतगुरु की चीज के बारे में इग्नोर कर देते हो, और जब उनकी बात आपको पसंद आती तब आप बोलते हो कि ये चीज हमें अच्छी लगी, जबकि वो सतगुरु ने पहले सी चीज बता रखी और दूसरे के मुंह से सुनकर आप उस चीज का ज्यादा अमल करते हो। तो जो चीज हमारे सतगुरु ने हमें समझा रखी है, उस पर हमें चलना सिखा रखा है कि इस पर हमें कैसे चलना चाहिए, तब तो हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। और जब हम दूसरों की बात सुन रहे, दूसरे के मुंह से ये बात सुन रहे हैं, तो और हम बोल रहे हैं कि हाँ उनकी ये चीज मुझे अच्छी लगी, हाँ उनकी ये चीज पर फॉलो करना चाहिए, इस चीज पर अमल करना चाहिए, जबकि हमारे जब सतगुरु ने उस बात को बताया, उस चीज के बारे में बताया, तो तब हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। जब किसी और के बंदे से, आम इंसान के मुंह से सुन रहे हैं और सुनकर ये बोल रहे हैं कि हाँ उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी, इस चीज पर विचार जरूर करना और अपने आप को लानत जरूर देना कि हम इंटरेक्टली हमारे सतगुरु की बात को इग्नोर करके दूसरे की, आम से बंदे की बात को हम फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे गुरु MS जी की बातें को कॉपी करके, उसको कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा सा उसमें फनी चीज डाल के, उसमें मसाला से डाल के आपके सामने ऐसी पेश कर देते हैं और आपको उनको सुन के ज्यादा आनंद आता है और सतगुरु की बात को आप इग्नोर कर देते हो, जबकि वो हमारे सतगुरु से ही उन्होंने ये चीजें सुनी होती है। जितने बड़े 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 मोटिवेशनल गाने, जो चीज, जितने बड़े अपने आप को जो मोटिवेशनल बोलते हैं कि हम हमारे जैसा कोई भी है नहीं, उनकी एक एक बात जो भी वो करते हैं, उनसे पहले सतगुरु ने कई साल पहले हमें ये चीजें बता रखी होती है कि सतगुरु शुरू से, जब से हमारा डेरा सच्चा सौदा बना है, जब से स्थापना हुई है हमारे डेरा सच्चा, तब से लेकर तीनों पौड़ियों में और अभी हमारे सतगुरु राम रहीम, ऐसी कोई दुनिया की चीज, हमें कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे कहीं जाकर लोगों के सामने पेश आना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे पहनना है, कैसे लोगों के सामने बातें करनी है, कैसे किस चीज को हैंडल करना है, कैसे मल त्याग करना है, कैसे अंदर बाहर हर चीज, सुबह उठने से लेकर रात से सोने तक, यहाँ तक सोते टाइम भी, ऐसी चीजें हमारे सतगुरु ने बता रहे कि जो अभी तक किसी से सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन वो चीजें आप जब किसी और से सुनते हो तो आप उस चीज को ऐसे फॉलो करते हो जैसे ये हमारे सतगुरु ने तो कभी बताया ही नहीं, और इस चीज पर थोड़ी सी खुद पर लानत डालो
खुद के ऊपर आपको शर्म मान लीजिए, जितने भी बड़े बड़े कथा वाले होते हैं जो कुछ भी प्रवचन करते हैं, उनकी आप बातें सुनते हो, उनकी बातों को आप फॉलो करते हो और इनडायरेक्टली सतगुरु को आप उस चीज में थोड़ा दूर कर देते हो अपने आप से कि उनकी मैं बात सुनूं, क्या ऐसा सत्संग ऐसी सतगुरु की कोई टिप्स है बच्चा है जो हमारे सतगुरु ने हमें नहीं दिया, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज यहाँ तक कि हमारा आने वाला फ्यूचर में जो कुछ होने वाला सतगुरु वो भी हमें कई साल पहले बता देते हैं, लेकिन जब हम किसी और की बात सुनते हैं तो उस चीज को हम फॉलो करते हैं, हाँ उसने ये चीज बोली थी ये चीज होने वाली है। अभी टाइम जो चल रहा है बहुत लोग उनको वीडियो बनाने लग गए उसके ऊपर, जैसे बोलते हैं 2025 2026 2027 में कलयुग अंत ये वो फलाना, बहुत कुछ ऐसी वीडियो आती है, क्या हमारे सतगुरु ने कभी इस चीज के बारे में आपने जिक्र नहीं किया, हमारे सतगुरु ने ये बताया नहीं है? सतनाम जी के टाइम सतगुरु ये चीजें नहीं बोलते कि आने वाला टाइम कैसा है, जब वो सतगुरु पीछे की बातें करते हैं पास्ट के टाइम की, हम तब आने वाले टाइम की बातें, जो सतगुरु के साथ जुड़ गए ये जो समय चल रहा अच्छा है आने वाला उससे बुरा होगा, तो सतगुरु ने क्या युग परिवर्तन के बारे में बातें नहीं की हुई? और सतगुरु की अगर हम बातें करें, सतगुरु जब बचपन के थे 4-5 साल के तब त्रिवेणी दास जी ने उसके ऊपर वचन कर दिए कि ये बैठा जो छोटा सा लड़का है ये घोर कलयुग में सतयुग लेकर आएगा, क्या ये चीजें हमने सुनी नहीं हुई? और आप हम किसी और की बात या सुनते हैं तो लोगों की चीजों को हम देखकर इम्प्रेस होते हैं, हाँ यार उसने ये चीज बोली ये चीज सही है, हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा, क्या हमारे सतगुरु उस चीज के बारे में नहीं बोला हुआ? ये जितने बड़े बड़े मोटिवेशन होते हैं जो कथा करने वाले होते हैं, ये अगर अपने आपको सच्चे दिल से मानते हैं कि हम उस कथा को सच्चे दिल से करते हैं, कैसा ऐसा दुनिया का कोई भी धर्म जिस धर्म में भी मर्जी चले जाओ जिस ग्रंथ में मर्जी चले जाओ, क्या उस ग्रंथ में हमारे सतगुरु के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ? सब जिक्र किया लेकिन वो देव के इतने गंदे हैं, हमारे सतगुरु को इनडायरेक्टली गलत बोलते हैं, क्योंकि लोगों का काम होता है सच को पीछे करना, और हमारे सतगुरु का ऐसी कौन सी जगह कौन सा ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें हमारे सतगुरु का जिक्र नहीं किया हुआ, वो इस चीज को इग्नोर करके अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे जो मर्जी लगा लो कोई मर्जी जितने मर्जी मोटिवेशनल है, हमारे सतगुरु ने एक ही चीज हमें समझाई हुई है फैमिली टाइम कैसे स्पेंड करना है, कैसे बुरे काम से दूर रहना, आज वही टाइम फैमिली टाइम जो मैं बात कर रहा हूँ सतगुरु ने जो हमें 7 से 9 हमारे सतगुरु ने आने वाले टाइम की बात की कि हमारा पास्ट कैसा था पुरातन काल कैसा था और आने वाला समय कैसा आ रहा है, उस चीज को बदलने की बात की, हमारे सतगुरु जब लाइव होते हैं सतगुरु हमारा कल्चर दिखाते हैं जो पहले का कल्चर होता था, और अभी बड़े बड़े मोटिवेशन जितने बने हुए हैं उस कल्चर की बातें करते हैं जो हमारे सतगुरु ने कई साल पहले से हमें कर रखी है, और अभी 7 से 9 हमारे सतगुरु ने फैमिली टाइम के बारे में बोला कि आप फैमिली टाइम स्पेंड करो, और उसी चीज को लोग अब फॉलो करने लग गए, उस चीज को मसाला लगाकर पेस्ट करने लग गए कि हाँ आप फैमिली टाइम स्पेंड करो, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, क्या ये चीजें हमारे सतगुरु ने बोली भी? एक एक चीज सुई के नक्के से लेके हाथी तक, मतलब सतगुरु ने हमें ऐसा कुछ बता रखा है जो हमें किसी और से सुनने की जरूरत ही नहीं है, और हम दूसरों की बातें सुनकर उस पर खुश होते हैं कि इसमें इतने अच्छे विचार हैं, हाँ इसमें कुछ न कुछ बात है, तो लानत डालो अपने ऊपर और खुद के ऊपर शर्म मानी चाहिए कि हम सतगुरु के बच्चे होकर हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और आम से बंदे की हम बात मार रहे हैं जो हमारे सतगुरु जो खुद खुदा है जिसने हमें चलना हर एक चीज दिखाई है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो शर्म मानी चाहिए खुद पर और इस खुद के ऊपर लानत डालो कि मैं कितना ज्यादा गिर चुका हूँ जो कि हमारे सतगुरु की एमएच की हम बात को फॉलो नहीं कर रहे और किसी आम से बंदे की हम बात को फॉलो करने लग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की अच्छी चीज देखकर उसको फॉलो मत करो, फॉलो करो, लेकिन जब आप ये बोलते किसी ने ये बात बहुत अच्छी बोली तब बहुत इस चीज का दुख होता है कि ये चीज क्या हमारे सतगुरु ने हमें नहीं बता रखी, हम सतगुरु के बच्चे हैं, हमारे सतगुरु क्या चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जितने भी प्रेमी बहन भाई है सबसे दिखने में अलग लगे, अलग कैसे लगे कि जब आप सतगुरु की हर एक चीज को फॉलो करने लग जाओगे ना तो लोग खड़ खड़ के देखेंगे ये है डेरा सच्चा सौदा के शिष्य, और इनको देख दूसरी पता चलता है कि हाँ इनके अंदर अलग चीज है, और उस चीज को फॉलो करता ही नहीं है, और इस चीज को पल्ले बांध लो और अपने सतगुरु से इस चीज की माफी ले लो कि मैंने बहुत लोगों की कथा सुनकर लोगों के मोटिवेशन सुनकर अपने आप को ऐसे डाला, लेकिन वो चीज आप इंडायरेक्टली सतगुरु के पीछे कर रहे हो और सतगुरु की आपको खुद के ऊपर लानत भी नहीं आती कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, हमारे सतगुरु एक एक चीज हमें बता रहे कि जो हम दूसरों से सीख कर उसको फॉलो कर लेते हैं, सतगुरु की बात को हम इग्नोर कर देते हैं, और दिल से अगर सतगुरु के साथ जुड़े हो तो ये चीज का अहंकार नहीं है, मान है खुद पर कि डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी को देखकर लोगों को पता दूर से चल जाए
क्या ये सद्गुरु का शिष्य है और हमसे लोग सीखें, ना कि हम लोगों से सीखें। और हमारे सद्गुरु ने जो संस्कार दिए हैं, इनमें कुछ जितने भी संस्कार दिए हैं, लोगों की इस चीज का देखकर गर्व हो क्या ये सद्गुरु के शिष्य हैं। और आम से बंदे की हम वही बात को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं हम सद्गुरु को पीछे कर रहे हैं। इस चीज का मैं विरोध नहीं कर रहा और ना ही मैं इस चीज की ईगो लेकर आ गया हाँ, लेकिन अच्छे लोगों की बात सुनो, लेकिन उसकी जब आप बोलते ना कि उस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी, तब बहुत दुख होता है भाई। ये चीज बहुत ज्यादा गलत है कि सतगुरु की बात को हम नहीं मान ले और किसी आम से बंदे की बात मान रहे हो। मेरी बात का बुरा बहुत लोगों को लगेगा, मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कह रहा हूँ कि हमारे सतगुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। दुनिया के किस कोने में मर्जी चले जाओ, सतगुरु को जैसा हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, सतगुरु के बिना हमें कोई अपने साथ नहीं खड़ा कर सकता। एक सतगुरु ये जो बिना कुछ लिए हमें फ्री में इतना ज्ञान देते हैं, इतनी शिक्षा देते हैं। और कभी न कभी इस चीज का विचार जरूर करना, जितनी जो कथा करते हैं, जो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, ये सच्चे दिल से अगर किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ गीता को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सतगुरु का जरूर जिक्र किया हुआ है। लेकिन ये सतगुरु के ऊपर टिप्पणी इसलिए करते हैं क्योंकि इनसे वो चीज देखी नहीं जाती कि इनके बारे में इतना कुछ क्यों लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सतगुरु के साथ बहुत ज्यादा इस चीज की जेल्स होती है कि इनके बारे में इतना जिक्र क्यों, क्योंकि सबका पता है हमारा सतगुरु खुद खुदा है, लेकिन इनको देख वो चीज हजम नहीं होती और हमारे सतगुरु के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं और सतगुरु के ऊपर इनडायरेक्टली बहुत कमेंट्स बाजी करते रहते हैं। ऐसी बहुत वीडियोस भी आते हैं और वीडियो कई वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो ये चीज सोच कर देखो, जो बंदा हमारे सतगुरु का नहीं है, हम उस बंदे को कैसे फॉलो करते हैं, उनकी बात हम कैसे मान सकते हैं। ये जो जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, पवित्र ग्रंथ अपने आगे रख के निंदा करते हैं, सोच कर देखो कितने बड़े वो धर्म ज्ञानी होंगे जो आगे पवित्र ग्रंथ पढ़े होते हैं और उनके ऊपर बैठ के निंदा करते हैं, हमारे सतगुरु की निंदा करते हैं, तो उनकी बात को हम फॉलो करते हैं। तो लांत डालो खुद पर, शर्म माननी चाहिए खुद को। और इनकी असली पहचान यही है, हमारे सतगुरु के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे सतगुरु की बातों को कॉपी पेस्ट करके मोटिवेशनल जोर बन जाते हैं कि है ये बात मैं कर रहा हूँ। सतगुरु ने ऐसे ऐसे वचन पहले से कर रखे हैं जो आज लोगों उनको फॉलो करके कॉपी पेस्ट करके हमारे सामने पेश कर रहे हैं और अपने आप को महान दिखाने के लिए। अच्छी बातें सुनो, लेकिन उसके ऊपर जब आप भी टिप्पणी करने लगते हो कि इसके अंदर कुछ न कुछ है, हाँ वो भी ऐसी चीज है, वो भी सच्चा है, जाए कुछ ऐसी चीज बोलते हो, इस चीज का दुख होता है। इधर सुनो, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो निकाल दो, क्योंकि वो चीज उनसे पहले हमारे सतगुरु ने बता रखी होती है। लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी मत करो, मस्त रहो अपने सतगुरु में, मस्त रहो कि जब आप सुनो ये बोलो कि मेरे सतगुरु ने हमें कई साल पहले ये चीज बता रखी है। आपको पता है जितने भी जो मोटिवेशनल होते हैं, जो अपने कथा सुनाते हैं, कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है ये कितनी बड़ी रकम लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं, इनका शो होता है पॉडकास्ट या कुछ भी, उनके ऊपर कितनी फीस लेकर बैठे होते हैं, लाखों में फीस लेते हैं, और आगे जो बैठने वाले होते हैं उनकी भी टिकट लगती है। और सोच कर देखो वो बड़े अपने को आपको मोटिवेशन मानते हैं, और कभी भी किसी के प्रवचन सुन के या किसी का कॉपी पेस्ट करके कोई हमें कुछ बता रहा है और अच्छी चीजें बता रहा है हमारे सतगुरु की फॉलो करके, तो संत नहीं बन जाता, वो एक आम ही बनता है। और सोच कर देखो हमारे सतगुरु स्टेज पर विराजमान होते हैं तो करोड़ों में संगत होती है, कभी भी किसी को चढ़ावा नहीं लिया जाता, ना ही सतगुरु किसी से कोई फीस लेते, सतगुरु सिर्फ एक फ्री में सबको मोटिवेशन करते हैं और सबको ज्ञान बांटते हैं। और ये है सच्चा सतगुरु, ये है खुदा, क्योंकि जो खुद खुदा होता है वो कभी फीस नहीं लेता और जो फीस लेते हैं उनके ऊपर लांत डालता है। सतगुरु हमारे इस चीज में खरी खरी सुनाते हैं और जो हमारा सतगुरु है, हमारे सतगुरु जैसा कोई भी नहीं है दुनिया के जिस कोने में मर्जी चले जाओ। और अपने आप को थोड़ी सी इस चीज के बारे में लांत डालो, शर्म करो। मैं आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात का बुरा जिनको लग रहा है लगने दो, लेकिन बुरे मानने वाली बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है, अपना मस्त रहो और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ अपने सतगुरु की। प्रशंसा जब तक श्वास है तब तक करते रहेंगे। और आप इस चीज को फॉलो करो कि हम जब तक सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं, सतगुरु ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है, हम सतगुरु के बिना कभी भी इधर सुधर नहीं जाएंगे और सतगुरु की बात को फॉलो करेंगे, किसी औरों की आम से बंदों की नहीं। असली सतगुरु वही है जो आज के टाइम में वचन कर रहा है और आज के टाइम के वचन कर रहा है और आज के टाइम के वचन को रखा रहा है, हमारा संत एमएच जी। और संत एमएच की बिना कोई भी वचन नहीं कर रहा, जितने भी कर रहे हैं सारे पर वचन कर रहे हैं। और सोच के देखो जो वचन कर रहा है वो है क्या, खुद खुदा
और जो हमारे सतगुरु ने कई साल पहले हमें चीजें बता रखी है उस चीज को फॉलो करके आगे चलते जाओ, ना कि किसी आम से बंदे की बातें को फॉलो करो। अगर सतगुरु की जो कई साल हमें चीजें पहले बताई उस चीज को आपको फॉलो करोगे ना, तो आपको आगे जाके और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये चीजें तो आप भूल जाओगे कि ये कितने कौन से मोटिवेशनल है। और किसी को दो चार मीठे बोल सुनकर, किसी को दो चार मीठी बातें सुनकर उसको शेयर करना, उसको आगे उनकी स्टोरी लगा देना जो उसको बहुत ज्यादा शेयर करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि काल आज के टाइम में ऐसे डंक चला रहा है कि कोई पता नहीं कब कहां मार दे दे। और इसलिए कोई अच्छा बोल रहा है तो अच्छी बात है, और कोई अच्छी चीजें आगे शेयर कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा फर्ज नहीं, हमारा फर्ज है कि हमारे सतगुरु के आगे बातें फिर शेयर करना, ना कि किसी ऐसे वैसे बंदे की। लेकिन मेरा इस चीज को याद रखो, इस चीज को सोच कर देखो कि हम कौन है और हम किसके शिष्य हैं। हम एमएस की शिष्य हैं, और एमएस की शिष्य हैं जो जितने भी हैं सबसे अलग दिखने चाहिए, और लोगों को देख पता चले कि हाँ ये अलग क्यों दिख रहे हैं। अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारा सतगुरु ऐसा है जिन्होंने हमें गाइड किया, और लोग देख कर हमें उस चीज को फॉलो करें। और सतगुरु के शिष्य कैसे होते हैं, कैसे दिखने चाहिए, इस चीज का भी आप जरूर विचार करना। और जिस सतगुरु हमें ऐसी शिक्षा दी है तो जाहिर सी बात है सबसे अलग तो दिखना ही चाहिए, और इस पर खुद के ऊपर मान भी होना चाहिए कि हाँ हमारे सतगुरु ने ये हमें सारा कुछ पहले से बता रखा है। और इसलिए किसी की बातें दो चार सुनकर ऐसा दिखावा देखकर उसकी दीवाने मत बन जाओ, क्योंकि हमें किसी और की बातों को फॉलो तो क्या, उनको सुनना भी सही नहीं हमारे लिए। क्योंकि जितने भी मोटिवेशनल हैं सब पैसे के लिए सबको मोटिवेट करते हैं, बहुत भारी रकम लेते हैं, और हम उनके दीवाने बने बैठे हैं जो लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। और इस चीज का हमेशा मान करते रहो कि हमें सतगुरु मिला है, खुद भगवान मिला है, और सतगुरु ने हमें ऐसी ऐसी चीजें हमें बता रखी है जो हमें किसी और से सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा हमें सतगुरु ने जो ज्ञान दिया जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हमें कोई दे सकता, और ना ही ऐसा कोई सोच सकता। जो हम आज चीजें सुन रहे हो कई साल हमने पहले सतगुरु ने हमें उस चीज के बारे में बता रखा है। तो और अपने ऊपर मान करो, और हमेशा इस चीज को याद रखो कि हम किसके शिष्य हैं, और खुद भगवान के जब हम शिष्य हैं तो सोच कर देखो कि हमें किसी ऐसे वैसे सुनने की जरूरत है। किसी के बारे में मत सोचो, ना किसी की कोई बात सुनो। अगर कोई बात ही सुननी है, आपका मन नहीं ऐसा परेशान हो रहा है, तो आप मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाते हो। आप कुछ मत करो, आप अपने सतगुरु की वीडियो देखो। सतगुरु की वीडियो देख ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। किसी भी कोने में चले जाओ, वो सुकून है जो सतगुरु के वचन सुन के, सतगुरु का मुख देख कर, सतगुरु दर्शन करके हमें जो सुकून मिलता है। हर एक क्षेत्र में चले जाओ दुनिया में, कहीं ना कहीं हर जगह आनंद है, हर जगह क्षणिक आनंद आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सतगुरु आनंद देगा, परमानेंटली देगा, जो जो हमें आत्मा तक पवित्र करता है, वो आनंद सिर्फ हमारा एमएस गुरु हमें दे सकता, और कोई भी नहीं दे सकता। और इसलिए मस्त रहो, कभी किसी की परवाह मत करो। इस चीज का मान रखो कि हम एमएस के बच्चे हैं, और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, और ना मैं किसी का विरोध कर सकता, ना मैं अपनी इतनी औकात रखता हूँ। सिर्फ मैं सभी को जागृत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमें इतना कुछ बता रखा है, लेकिन हम उसको भूलकर किसी आम से बंदे की बात सुनते हैं। मुझे दुख किस चीज का है, तो उस पर हमें बहुत ज्यादा इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है कि ये कैसे ऐसी चीजें लोगों के मन में कैसे आ सकती है। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी फेमस के लिए, अपने आप को फेमस कराने के लिए सतगुरु के बारे में, जो डेरे के बारे में दो चार मीठे शब्द बोल देते हैं, और आप उस चीज को इतना फॉलो करते हो, इतना उस चीज को शेयर करते हो कि उसकी जय जयकार करवा देते हो। कभी उसका पास्ट जाके देखना सतगुरु के खिलाफ उसने क्या क्या बकवास कर रखी, क्या क्या बो रखा है। लेकिन हमें तो सिर्फ उसकी आज की बात अच्छी लग रही है, और हम ऊपर से क्या बोलते हैं, मुझे कई कमेंट्स भी आते हैं कि भाई देर है दुरुस्त है। ठीक है, देर है दुरुस्त है, तो अपने घर रहे, उसको हम भगवान थोड़ी बना लेंगे, उसको उसको अपने स्टेटस में शुरू लगाना थोड़ी शेयर कर देंगे, अपने रील्स में डालना थोड़ी शुरू कर देंगे। जिसको देर है दुरुस्त है, आम सा बंदा है, उसको अकल आ गई, अपने घर रहे, मस्त रहे, उसको इग्नोर करो, और आप तो उनको ऐसी इज्जत देने लग जाओ तो जैसे उसने आके आपके पैर धो दिए। सो इस चीज के बारे में थोड़ा सा विचार करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, इस चीज का बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जब हम जैसे आम बंदे को हो रहा है, सोच के देखो सतगुरु के ऊपर तो क्या इस चीज के बारे में गुजरती होगी। तो कभी भी किसी के फैन मत बनो, कभी भी किसी के ऊपर इतना मत उसको इज्जत देने लग जाओ कि आप इनडायरेक्टली सतगुरु के पीछे कर दो। इस चीज पर विचार जरूर करना सभी मेरे प्रेमी बहन भाई। वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन वीडियो ये बनाने का मकसद बहुत पहले का था, लेकिन आज आया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो देखता रहता हूँ। अपनी बहनों के अकाउंट है, भाइयों के अकाउंट है,
उसमें ऐसे ऐसे लोगों के मोटिवेशनल वीडियो डाल देते जैसे हमारे सदगुरु वो चीजें हमें पता ही नहीं रखी। तो इस चीज के बारे में विचार करना, जो भी ऐसे काम करते उस चीज को रोक दो। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर करना चाहते हो, सतगुरु के ऐसे ऐसे वचन है, अपने जितने भी पास्ट है, जो सतगुरु जितने भी सत्संग है उनकी क्लिप उठाओ, उठा उठा के डालो, ताकि लोगों को पता चले कि सतगुरु ने पहले से बता रखा है। और कभी भी किसी के मसाला वाली बातें जो मोटिवेशन अपने आपको बोलते हैं उनकी बातें सुनकर वो असर मत किया, क्योंकि वो पिताजी की चीजें फॉलो करते हैं ना, अपने आपको बड़ा मोटिवेशनल मानते हैं कि हमारे जैसा कोई मोटिवेशनल नहीं है। प्लीज इसके बारे में विचार जरूर करना, ध्यान जरूर करना। तो इसलिए अपने सतगुरु के चरणों से जुड़ रहो, और हमें देखकर लोग बड़े बड़े इस चीज के बारे में सोचकर पागल हो जाए कि इसको इतने अंदर संस्कार कैसे हैं। तो ये हमारे गुरु एम एस जी की वजह से आए हैं, और लोगों इस चीज के बारे में सोचने से मजबूर हो जाए। हम तो अपने बच्चों को बड़े बड़े मोटिवेशन से मिलवाते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने, हमारे बच्चे वैसे बने, और ये देखो इनके कौन सा इनका ऐसा सतगुरु है जो इनको इतना अच्छा इनको ज्ञान दिया हुआ है, और लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना, कैसे सबके सामने पेश आना है। इस चीज का दो को देख कर मान करो, जिस चीज को देखो लोग फॉलो करें, क्या हमें भी इनके गुरु से मिलना है। सो प्लीज किसी के प्रवचन सुनने के बजाय सतगुरु के वचन सुनो, क्योंकि आज के टाइम में जो हमें मोटिवेट जितना कर रहे हैं सतगुरु के बिना हमें कोई भी नहीं कर रहा, और सतगुरु के वचन सुनना, क्योंकि इस टाइम इस धरती पे एक ही ऐसा गुरु है जो हमारी सबकी रक्षा करता है और रक्षा करता आ रहा है। और ये मैं नहीं, ये एम एस जी लाइन आर्ट द वॉरियर, और इस मूवी में दिखाया गया समझदारों को इशारा ही काफी है। सो एक बार मैं फिर से सबको बोल रहा हूँ कि हम किसी का विरोध ही नहीं है, ना ही हम किसी का विरोध कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी की बात मानते हो इस चीज के बारे में विचार करो कि हमारे सतगुरु ने कई साल पहले से हमें इस चीज के बारे में बता रखा है, तो इस चीज का हमेशा मान करना। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और हर एक प्रेमी तक जरूर पहुंचाना, और इस चीज को फॉलो करना, ताकि सबका सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास बना रहे और सतगुरु हर चीज को फॉलो करता रहे, और विश्वास सहज जो भाई जैसा बना रहे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।